नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूँ जो कि PNB की तरफ से निकल के आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, PNB की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट्स का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इवन के 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं है। कोई परीक्षा यहाँ पे नहीं होगी, कोई फी आपको पे नहीं करनी है। बाकी डिटेल हम आगे ब्रीफ में बात करते हैं, चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पर चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करता हूं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो ये जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है ये पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन करने हैं, कोई भी अदर मोड नहीं है। अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जितनी जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। सबसे अच्छी बात तो ये है आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं, कोई भी सिटी स्टेट से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो जॉब रहने वाली है वो आप ही की लोकल, मतलब जो जहाँ पे जहाँ से आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वहीं पर आपकी जॉब ये रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हैं आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने स्पेशली तो कोई पैसा किसी को नहीं देना है, चाहे वो ज्वाइनिंग के लिए हो, ठीक है जी, चाहे वो आपकी इंटरव्यू के लिए हो, किसी भी तरह का कोई पैसा किसी को नहीं देना है, यहाँ पे नहीं मांगा गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर नोट दिया हुआ है अपनी वेबसाइट पे कि कभी भी पे मत कीजिएगा ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे वैकेंसीज जो आउट हुई हैं वो है इंश्योरेंस एडवाइज़र की, जिसके लिए सबसे पहले 10वीं अगर आप बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल हैं और कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो ऑनलाइन इंटरव्यू बेसिस पे आपकी जो यहां पे सिलेक्शन है वो होने वाली है। एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज आपकी 18 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पोस्ट टू पोस्ट वेरी करता है यहां पे आपकी जो वैकेंसीज के लिए कितनी एज है। उसके बाद बात करूं यहां पे सैलरी स्केल की तो यहां पे दो चीज है, एक तो आपको आपकी सैलरी मिलेगी प्लस यहाँ पे आपको बहुत अच्छे इंसेंटिव मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे आप 80,000 1,00,000 तक भी कमा सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास ये वाला PNB MetLife का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए फाइनेंशियल एडवाइज़र ज्वाइन नाउ एज अ एजेंट, राइट। तो उसके बाद नीचे आ जाएंगे आप, यहाँ पे ये फॉर्म आपको मिल जाता है। इस फॉर्म में आपको अपना नाम भरना है, कैपिटल वर्ड्स में भर दीजिएगा चाहे फर्स्ट लेटर कैपिटल में रखिएगा, और मोबाइल नंबर अपना वो भरना है जो आपका किसी भी बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर बैंक में रजिस्टर्ड हो तो हो सकता है कोई फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, जब आप उनको ऑप्शन ही नहीं देंगे तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूँ आपके एक OTP आएगा वो भर दीजिएगा, सिटी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपनी ईमेल आईडी जो आपकी बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है वो भरिएगा। उसके बाद नीचे सबमिट का बटन है, इसको सबमिट कर दीजिएगा। इतना सा प्रोसेस है, देन आपको HR की तरफ से कॉल आने वाली है। HR की तरफ से जो भी कॉल आपको आने वाली है उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आपकी इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू कोई टफ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 10वीं लेवल पे ही आपकी होगी। आपके इंट्रोडक्शन या आपका मोटिवेशन या आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ही चेक किया जाएगा, कोई अदर यहाँ पे चीज़ नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपको ज्वाइनिंग और बाकी ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर, और ज्वाइनिंग का प्रोसेस और ट्रेनिंग का प्रोसेस पूरा समझाया जाएगा। सो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, चेक करके आपको अप्लाई ज़रूर से कर लेना होगा। सो ये है आज का नोटिफिकेशन जो कि आउट किया गया है। अब मैं आपको मिलूंगा नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।